और वहां पे सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ कि आज जाके वलीमा खाएंगे और वहां पे किसी के साथ मुंह मारी हो जाती है। अल्लाह के लिए वक्त बाय अली मिर्जा साहब। सो आज की जिहड़ी वीडियो है इहदे विच देखांगे कि जिहड़े लोग कहिंदे कि साडे कोलों टाइम नहीं निकल पाउंदा, असी डेली लाइफ दे विच इन्ने ज़्यादा बिजी हैं कि असी रब नूं याद नहीं कर सकते, असी पांच टाइम की नमाज़ नहीं अदा कर सकते, असी नितनेम नहीं कर सकते, असी पूजा नहीं कर सकते, अर्चना नहीं कर सकते। सो देखते हैं कि शायद उस टॉपिक ते इह वीडियो है जां कुछ होर है। अली मिर्जा साहब दीआं वीडियोज़ उहनां दे लॉजिक ओ जिस आधार गल्लां करदे आ ओ काफ़ी काबिले तारीफ हुंदी है। सो देखते हैं अज की वीडियो में वो की गल छेड़ते। आ जाओ वह इधर अर्द मुद्दत, और जब जमीन फैला दी जाएगी, जाहिर जमीन को इधा दक्कत इल अर्द दक्कन दक्का, कूटा जाएगा जमीन को तो बिल्कुल फ्लैट कर दी जाएगी, ये पूरी की पूरी जमीन ही मैदान मैशर बन चुकी होगी। जमीन जो है वो फैला दी जाएगी। वह अलकत माफीहा व तखलत, और जमीन हर वो चीज बाहर फेंक देगी जो उसके अंदर है। जमीन अपने अंदर की सारी चीजें बाहर फेंक के खाली एट द एंड यही हाल होना, जो उसने अपने अंदर जो है वो मुर्दे हजारों लाखों साल से अपने अंदर समोए हुए होंगे, वो सब के सब मुर्दे बाहर निकाल देगी, अल्लाह ताला उनको जिंदा कर देगा, जिंदा कर देगा। व अदिनत लिरब्बिहा व हुक्कत, और जमीन भी कान लगाकर अपने रब का फरमान सुनेगी, और उसे शाया भी यही है, उस पर फर्ज भी यह है कि वो अपने रब की हुक्म की तरफ लौटे। या अय्युहल इंसान इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, ऐ इंसान तू हर वक्त मेहनत में लगा रहता है, कोशिश में लगा रहता है, तेरा मुकद्दर ये है कि तू मुशक्कत में पड़ता रहे हत्ता के तेरे रब से तेरी मुलाकात हो जाएगी। ये बड़ी क्रिटिकल आयत है कुरान हकीम की। हर इंसान को अल्लाह ने मुशक्कत में पैदा किया, किसी की मुशक्कत यह है कि उसने पूरा दिन मजदूरी करनी है और मजदूरी की फॉर्म भी डिफरेंट है, किसी ने वजन उठाना है तो किसी ने जो है वो इंटेलेक्चुअल इनपुट देनी है एयर कंडीशन कमरे में बैठ के किसी मल्टीनेशनल में जॉब करते हुए। हर बंदे की अल्लाह ताला ने मुशक्कत डिफरेंट रखी, किसी ने जमीन में हल चलाना है उसकी मुशक्कत वो है। हर इंसान को अल्लाह ने मुशक्कत में पैदा किया है, बिल्कुल, क्योंकि इंसान के साथ अल्लाह ताला ने पेट लगा दिया है जो उसकी यानी बुनियादी जरूरत है। उस पेट को फुलफिल करने के लिए उसे अपनी जिंदगी मुशक्कत में काटनी पड़ती है, और ये एक ऐसी मुशक्कत है जिससे दुनिया में हर जानदार को गुजरना पड़ता है। सही है, सही है यार, किन्नी सोहनी चीज़ है ना। एट द सेम टाइम कदे ये भी सोचिए कि यार काश कि पेट लगा ही ना हुंदा तां दुनिया का मंजर की होना सीगा, आपस च किन्ना लड़ाई झगड़ा, वेले लोग, ना कोई काम ना कार, कि कहो जी स्थिति होनी सी हो ना। मतलब जेकर क्योंकि हर बंदा काम करता अपने पेट नूं भरन लई करदा, अपने बच्चों के पेट नूं भरन लई करदा, करियर बनते हैं, जॉब लैने हैं, किन्नियां तकलीफां, बेरोजगारी, गरीबी, भुखमरी, सारा कुछ पेट करके है यार। सोचा जाए तो जे पेट ही ना होता तो आह दिक्कत ही ना होंदियां। जानवर भी इस सारी चीज से गुजरते हैं, लेकिन इंसान और जानवर में फर्क है। जानवर ये सब कुछ अपनी इंस्टिंक्ट और जबिल्लत के ऊपर कर रहा होता है, और इंसान को अल्लाह ने अकल का इंस्ट्रूमेंट दिया है। अकल ना लालची भी हो गई, अकल के जरिए हक और बातिल में तमीज कर सकता है। बकरी का पेट भरा हो उसके बावजूद अगर उसको आप किसी ऐसी जगह ले जाएं जहां पे ताजा घास हो तो वो एक दो दफा मुंह जरूर मारेगी अपनी जबिलत की वजह से। लेकिन इंसान के पास अकल की ये दौलत है कि इंसान खाली पेट भी हो और उसके सामने हराम आ जाए और वो खौफे खुदा रखने वाला हो, पॉइंट पॉइंट, तो अपना हाथ रोक लेगा, सब्र कर लेगा, हत्ता कि जिंदगी मौत की कश्मकश बन जाए वो अलग बात। और बाज का दुनियावी तौर पे भी लोग इतना गुस्सा खा जाते हैं कि किसी मजलिस में गए हुए हैं, किसी शादी को अटेंड करने के लिए गए हैं और वहां पे सुबह का नाश्ता भी नहीं किया हुआ कि आज जाके वलीमा खाएंगे और वहां पे किसी के साथ मुंह मारी हो जाती है, तो चाहे भूखा भी हो तो वो रोटी खा के
छोड़ के जो है वो उठ जाता है कि मैं रोटी नहीं खाई। ये इंसान को जो अल्लाह ने अकल के जरिए ये इस्तेताद दी है कि उस पर उसकी जबिल्लत गालिब नहीं आती, ये सबसे बड़ी दौलत है इंसान के पास। सही है, सही इसीलिए दी है कि ताकि इंसान गिवन सर्कमस्टांसिस में भी खुदा के खिलाफ, अल्लाह के खिलाफ बगावत ना करे अपनी अकल को इस्तेमाल करके। जुनैद बगदादी का एक कॉल बड़ा मशहूर है, वो कहते हैं कि जो हवास हैं इनकी तकमील अकल से होती है। इन्हीं हवास खमसा जो अल्लाह ने इंसान को दिए हैं, जबिल्लत है, शहवात अटैच की हुई है, इसकी तकमील जो है वो अकल से होती है। यानी इंसान अकल को इस्तेमाल करके इन चीज़ों को, अपनी इन सारी नेमतों को अल्लाह ताला की नाफरमानी से बचा के उसकी इताअत में लगाता है। और अकल की तकमील वही से होती है। अकल भी कहीं ना कहीं ठोकर खा जाती है, उसकी तकमील फिर वही इलाही से होती है जो अल्लाह ताला अपने पैगंबरों के जरिए अपने बंदों तक पहुंचाता है। इसीलिए हम कहते हैं जब वही का हुक्म आ जाए फिर हम अकल को साइड पे करते हैं, फिर हम वही की पैरवी करते हैं। सैयदना अली इब्ने अबी तालिब का कौल बड़ा मशहूर है, सुन्न अबी दाऊद के अंदर मौजूद है और किताबों के अंदर सही सनद के साथ। वो कहते हैं कि अगर दीन को मैं सिर्फ अकल की बुनियाद पे फॉलो कर रहा होता तो मौज़ों पर जो मसा है ये तलवे की तरफ होना चाहिए था, क्योंकि उमूमन तलवे गंदे होते हैं, मट्टी तो नीचे ज़्यादा लगती है ना चलते हुए। लेकिन वो कहते हैं सुन्नत ये है कि आपने मौज़ों के ऊपर मसा जो है वो ऊपर वाली साइड के ऊपर करना है, तो हम फिर शरीयत को फॉलो करते हैं। तो अकल की तकमील वही इलाही से होती है। तो हर जानदार मुशक्कत में आप देखें, चिड़िया भी सुबह सवेरे निकलती हैं और शाम को पेट भर के बिल्कुल सही है भरता, उनको एफर्ट पुट करनी पड़ती, इंसान को भी एफर्ट पुट करनी पड़ती। तो अल्लाह तआला मारा ऐ इंसान, मैंने तेरा मुकद्दर किया है कि तूने मुशक्कत में रहना है, हद तक है तू अपने रब के पास आ। यही अक्सर कहते हैं कि दुनिया के काम तो नहीं खत्म हो रहे, लोग कहते हैं जनाब वो दर्स में नहीं है, वो फारग नहीं थे, यानी ये फारग बंदों का काम है। इसी टाइम में से टाइम निकालना है ना अल्लाह के लिए, गिवन सर्कमस्टांसेस। इंसान को तो पैदा ही मुशक्कत में किया गया है, इसी मुशक्कत में से आपने अपने आप को फ्री करना है। और जिन मामलात में हम सीरियस होते हैं कर रहे होते हैं, हर वीकेंड्स पे आए दिन शादियां आती हैं लोग अटेंड करते हैं, जब उसी वीकेंड पे दर्स आ जाए तो कहते हैं मजबूरी है जी, एक ही छुट्टी होती है या दो ही छुट्टियां होती हैं हफ्ते में, तो वो फैमिली को भी टाइम देना होता है। शादी आ जाए तो फैमिली भूल जाती है फिर, या कोई और फंक्शन आ जाए तो सब कुछ लोग भूल जाते हैं। तो ये सारे बहाने इंसान, अल्लाह ताला फरमाता है कि इंसान को इस मुशक्कत से गुजर के अल्टीमेटली अपने रब तक पहुंचना है। मुराद क्या कि तैयारी कर लो, इसी मुशक्कत के अंदर रहते हुए तुम्हें अपने रब के लिए वक्त निकाल के खुदा की इताअत इख्तियार करनी होगी। मैं अक्सर कहता हूं कि इंसान की जिंदगी में कभी अच्छा वक्त नहीं आना, हमेशा बुरा वक्त ही आता है। हर इंसान ने अपने दिमाग में कोई चीज रखी होती है कि बस मेरा ये काम हो जाए तो इंशाल्लाह फिर तो मैं मस्जिद में बैठा रहूंगा, मैं तो फिर वक्फ हो जाऊंगा दीन के लिए। लेकिन आप देखेंगे जू जू इंसान बड़ी उम्र की तरफ बढ़ता है तो पहले से ज्यादा वर्स्ट वक्त इंसान के ऊपर आता है। पढ़ाई लिखाई में इंसान मसरूफ होता है, कहता नहीं जॉब लगी तो सुकून आ जाएगा, जॉब क्या लगती है, माँ बाप को शादी की फिक्र पड़ जाती है और मुसीबतों का और परेशानियों का एक नया दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद औलाद हो जाती है तो मजीद दलदल में इंसान फंस जाता है। तो इंसान अगर अपने माजी में झांक के देखे तो अक्सर इंसान इसी रिजल्ट पे पहुंचेंगे कि इंसान का माजी सुकून में था, हाल और मुस्तकबिल मुश्किल दर मुश्किल होते जा रहे हैं। तो लिहाजा ये तो मेरा दिमाग से निकाल दें कि दिमाग में ये बात कहीं से ना आए कि कोई मेरी जिंदगी में अच्छा वक्त आएगा तो मैं खुदा को रिस्पॉन्स करूंगा, ऐसा नहीं होना। आंदा आने वाला वक्त आप पे बुरा ही आना है, मसरूफियत के एतबार से भी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज के एतबार से भी, क्योंकि अल्लाह ताला फरमा दिया कि तेरा मुकद्दर कर दिया हमने मुशक्कत, और इसी मुशक्कत में इन्नका कादिहुन इला रब्बिका कदहन फमुलाकी, हत्ता के तू अपने रब से मुलाकात कर लेगा। फिर उधर जाएगा ओह टाइम ही नहीं मिला, जो मौला अली का कॉल है रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अलैहि सलाम कि इंसान सोया हुआ जैसे ही मरेगा तो जाग उठेगा कि ये क्या हुआ, असल जिंदगी तो ये थी,
इसके लिए मैंने तैयारी कोई नहीं की। औज़ु बिल्लाहि तआला, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहू मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम वमन तवफ्फैतहू मिन्ना फतवफ्फहू अलल ईमान। सही बुखारी और मुस्लिम में आता है कि इवन नबी अलैहि सलाम अगर नमाज के दौरान भी कुरान की तलावत कर रहे होते थे और अल्लाह ताला के अजाब से रिलेटेड आयात आ जाती थी रिक्कत पैदा करने वाली, तो नमाज में ही अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर दुआएं शुरू कर देते थे। तो मैं उसी सुन्नत में अमल करते हुए दर्स के दौरान भी जब इस तरह की रिक्कत अंगेज, और ये पारा नंबर 30 तो सारे के सारे ही आप देख लें कि फिक्र आखरत है, इंजार बिल आखिरा है, आखरत की जवाबदेही का इसमें डर सुनाया गया। तो तेरी मुशक्कत यह है कि तू जिंदगी में मुशक्कत करता रहेगा यहां तक कि अपने रब को आके मिलेगा, लेकिन यह याद रखना है कि यह मुशक्कत के बाद रिजल्ट क्या निकलना है। अगर इसी मुशक्कत के साथ साथ रब को रिस्पॉन्स किया हुआ तो कुछ और रिजल्ट निकलेगा क्यामत वाले दिन, और अगर खुदा की नाफरमानी की यह बहाना बना के जी रिज़्क़ हलाल कमाना भी तो इबादत है, इस इबादत की वजह से बाकी सारे फराइज छोड़ दिए। इस गाइज अज्ज दी एक वीडियो जिहदे विच आपां देखिया कि अल्लाह नूं वक्त देना किन्ना लाजमी है तुहाडे डेली रूटीन दे विच, चाहे तुसीं जिन्ने मर्जी मसरूफ होवो, जिन्ने मर्जी तुसीं बिजी हो अपने रोज़मर्रा दे कम्मां दे विच, चाहे तुहाडी जॉब है, चाहे बिजनेस है, जां शॉप है, जो भी है तुहाडा, लेकिन अल्लाह दे लई वक्त कढ़ना जरूरी है। ये चीज़ हर एक रिलीजन दे विच इंप्लीमेंट हुंदी है, एंड उस रब दे लई वक्त कढ़ना, चाहे तुसीं उहनूं मैडिटेशन कह लो, चाहे तुसीं उहनूं पाठ करना कह लो, चाहे तुसी उन्हों इबादत करना कह लो, है ना, ता ओ सारे चीज़ां फिर वो जस्टिफाइड है। ते ए जरूरी क्यों है? जरूरी है यार अपने मन दे ठहराव दे लई ही है, क्योंकि आपां सारा दिन कम्मां कारां दे विच बिजी रहने हैं, इन्ना कुछ देखते हैं, स्ट्रेस अजकल इदां आउंदा जिवें पता नहीं कोई शताब्दी दी ट्रेन आउंदी होवे, मतलब इन्ना जबरदस्त डिप्रैशन, लोकी डिप्रैशन च हुंदे आ ते उहनां नूं खुद नूं पता नहीं हुंदा कि वो डिप्रैशन दे शिकार है। इदां दीआं जिहड़ीआं गल्लां चलदीआं अपनी सोसाइटी दे विच। अच्छा मिर्जा साहब दी आपां होर वी वीडियो देखदे आ, उहनां दे विच हमेशा इह कुरान दी कोई आयत पढ़ के आपां नूं सुणाउंदे आ जो कि अरबी दे विच हुंदी है, ठीक है। ते जिद्दां इह गल करदे हुंदे आ कि लोकी अजकल कुरान पढ़दे नहीं है, जस्ट रख लैंदे आ, मतलब घरां च जरूर होएगी लेकिन पढ़दे नहीं गे, इंप्लीमेंट नहीं करदे। सो कई लोगों के कमेंट आए कि लगभग सारे जिन्हें भी मुस्लिम्स उन्होंने अरबी आती होंगी है तो वह कुरान पढ़ते हैं, तो पर मैनू लगता नहीं कि शायद सारे जो लोग होंगे उन्होंने अरबी आती होनी है, क्योंकि बाकी आई डोंट नो यार, शायद हो सकता आँदी भी हो। मैं हाँ एक गल दसो कि तुहाडे क्लासेस तुहाडे स्कूलों के जो स्टार्टिंग लैवल तो बेसिक लैवल तो अरबी पढ़ाई जाती है या नहीं पढ़ाई जाती, क्योंकि ये सीधा सीधा आई थिंक एक इफेक्ट है, एक इंपैक्ट पैना है कि जे तुहाडे स्कूलां च अरबी पढ़ाई जाती है दैन तुहाडे बच्चों नूं ते तुहानूं अरबी हर एक नूं आउंदी होनी है, ठीक है, मोस्टली ते ओ कुरान जिहड़ी है अरबी दे विच पढ़ सकदे आ। पर मेरे ख्याल उर्दू दे विच भी जो ट्रांसलेटेड वर्जन ने ओ भी कुरान दे मिल जांदे होणगे ते ओ भी लोकी ईजीली पढ़ सकदे आ। अच्छा एक होर लोकां दे कमेंट, क्योंकि तुसीं मैं तुहानूं दस्सिया मैं सब दे कमेंट पढ़दा ते लोकां ने ओ भी किया कि मोस्टली लोग कुरान पढ़ते हैं लेकिन वो सिर्फ एक लगातार पढ़ लेंदे आ, बस उहदे च लिखिया की है उहनूं समझ के नहीं पढ़ते। सो ये सेम सिचुएशन तो इधर भी है सेम, जेकर मैं तुहानूं कहां भी जो सिख ने उन्हें नितनेम करते हैं सवेरे उठ के, जेकर उन्होंने जपजी साहब का पाठ करना तो वो जदों पढ़ते हैं तो वह फिर इहदा रट्टा नहीं लाते होंगे, जां किसी मंत्र का जाप करते हैं, मतलब उन्होंने पढ़ी जाना ध्यान कित होर आ, पढ़ी जाना बस, पढ़ी जाना लिखा की है समझना नहीं गा, जे समझा नहीं उन्होंने इंप्लीमेंट किमें करा लाइफ, इंप्लीमेंटेन नहीं होनी तो फिर जिंदगी सुकून किदा मिलना, कि उस पाथ में आप जॉइन करना सब दे। सो एक व्डा आई थिंक प्रॉब्लम कह सकते हैं आप सोसाइटी की है, जिन्हें मैं भी शामिल हाँ। तो जो नितनेम है सिखां दे विच ओ गुरमुखी स्क्रिप्ट दे विच है, तां करके जिहड़े इधरले लोग आ उन्हां नूं पढ़न दे विच कोई दिक्कत नहीं हुंदी, पर जो कुरान है ओ अरबी लैंग्वेज दे विच है। हाँ हो सकदा ट्रांसलेटेड वर्जन होण लेकिन जो ओरिजिनल अरबी दे विच है तां मे बी शायद थोड़ी बहुत दिक्कत तां आउंदी होणी है, बाकी तुसीं मैनूं कमेंट करके जरूर दस्सिओ। अज्ज दी वीडियो विच काफ़ी नवीं चीज़ सीगी एक,
कि वक्त तो कढ़ना पैना है, चाहे जो मर्जी हो जाए थोड़ा बहुत टाइम तो कढ़ना जरूर चाहिए ता जो आप सोच तो सकी कि यार की चक्कर की है सारा है ना। सो इस आई दीडियो तुम कितना लगी नीचे कमेंट करके मैं जरूर दस दो, बाकी चैनल सब्सक्राइब पक्का करो, मिलते हैं किसी और वीडियो, सत श्री अकाल।